मुझे हमेशा से ये डाउट रहता था कि ये जो ऑयल रिग्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं, मतलब बीच समुद्र में इनको बनाते कैसे है। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, आपको डेफिनेटली शॉक लगेगा व्हेन आई टेल यू कि ये ऑयल रिग्स समुद्र के बीच में नहीं बनाते, इनको जमीन पे ही बनाते हैं एंड देन समुद्र में लेके जाते हैं। इससे बड़ा शॉक तो तब लगेगा व्हेन आई टेल यू कि इसका बेस जो है वो 1000 मीटर या 2000 मीटर डीप समुद्र होगा, तो उतना डीप नहीं होता। ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ये ऑयल रिग्स एक्चुअली फ्लोट कर रहे होते हैं, तो ये स्टेबल कैसे रहते हैं? उसके लिए एंकर्स यूज किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हेवी एंकर्स यूज किए जाते हैं। मतलब अगर 1000 मीटर डीप समुद्र है तो उतने बड़े एंकर समुद्र में जाएंगे। यू कैन लुक एट दिस फिगर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा फ्लोटिंग है एंड एंकर से उसको स्टेबल रखा गया है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अभी ये ऑयल रिग तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मतलब अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अगर 100-200 फीट डीप समुद्र रहेगा तो उसमें तो बेस लगा रहता है, बहुत सिंपल रहता है। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला तो फॉलो फॉर मोर।